हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 9। जैसे कि याद होगा, इसके पहले हमने तकरीबन 8 थ्योरम कवर कर दिए। 8 थ्योरम मतलब टोटल 7 लेक्चर कवर किए। पहले लेक्चर में 2 थ्योरम एक साथ कवर किए थे हमने। गाइस एक चीज याद रखना, जितने भी मैं थ्योरम दे रहा हूँ इसमें से गारंटीड 3 से 4 मार्क्स एक एग्जाम में दिखेगा आपको। गारंटीड मीन्स गारंटीड, और इसके बेस पर ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो अगर लग गया, चांस लग गया, तो हो सकता है कि इसी में से 5 मार्क्स का आ जाए, 6 मार्क्स का आ जाए, तो तुम्हारा लक है कि तुम लोग है ना ये 8-10 वीडियो में तुम्हारा 5 मार्क्स कवर हो जा रहा है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जहाँ पर हम लोग थ्योरम नंबर 9 से डील करने वाले। बहुत ही आसान है, अगर तुम लोग को याद होगा तो तुम्हारे टीचर ने सर ने कहीं ना कहीं इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स कवर किए रहेंगे। अगर नहीं भी कवर किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आने वाले वीडियो में इसके बेस पर छोटा न्यूमेरिकल्स भी कवर कर दूंगा, मतलब तुम्हारा पक्का 6 मार्क्स कवर हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विथ को टर्मिनस एजेस? सर समझा नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, तेरे को यहाँ पर 2 चीज़ें समझना पड़ेगा। पहला चीज तो पैरेलल पाइप क्या होता है, तेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम आया रहेगा क्योंकि तू पैरेललोग्राम से वाकिफ है, पैरेलल पाइप से नहीं। और यहाँ पर एक को तो कुछ तो को टर्मिनस एजेस लिखा है, को टर्मिनस एजेस। अब मैं जरा थोड़ा टाइम रुको, मैं हर एक चीज़ को बात करूँगा, हर एक चीज़ की बात करूँगा। तो पहले एक चीज़ समझो, पैरेलल पाइप है क्या? पैरेलल पाइप कुछ और नहीं, तुम्हारे घर पे कोई बॉक्स होगा, क्यूबॉइड जैसा, क्यूब जैसा, समझ पा रहे? होलो, होलो समझता, अंदर कुछ सामान, बॉक्स, बक्सा बोलते अपन वही, उसको थोड़ा देखो, क्यूब या क्यूबॉइड तुमने देखा रहेगा, 90 डिग्री रहता है थोड़ा, अगर उसको टिल्ड कर दोगे ना तो उसी को बोलते हैं पैरेलल पाइप। तुम लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर दिखता रहेगा, वैसे ही है, जेली टाइप, जेली देखो ना, यहाँ पर अपना स्क्वायर डब्बा होता है उसको टेढ़ा कर दिया तो पैरेलल पाइप हो जाएगा, बस सॉर्टेड है, यही है पैरेलल पाइप। अब जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद तुम लोग को बताऊंगा को टर्मिनस एजेस क्या होता है, ठीक है गाइस? अब जरा यहाँ पर एक काम करते, जो डब्बा दिख रहा है वैसे मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ। तो पहले हम लोग जो बचपन में गेम खेलते थे, थोड़ा टेढ़ा बनाओ, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा बनाने का, ये याद रखना, थोड़ा टेढ़ा बनाओ, ये याद रहेगा सबको, ये तो बन जाएगा सर, ठीक है, ये भी बन जाएगा। और यहाँ पर सेम सेम इसके जैसे थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा बनाओ बस, अगर तुम लोग बना लोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो डायग्राम खूबसूरत बनना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना, हम लोग ने लास्ट लेक्चर से यही सीखा कि डायग्राम खूबसूरत दिखना चाहिए। अच्छा यहाँ से यहाँ पर, अरे जैसे बचपन में सॉल्व करते तो वही है, देखो ये पूरा, देखो कितने प्यार मोहब्बत से डायग्राम बन रहा है, दिख रहा है ये चीज़। अब यहाँ पर क्या है, मैं देखो कुछ चीज़ें को डार्क कर रहा हूँ, तुम लोग को याद होगा लास्ट लेक्चर से हम लोग बात किए थे। इधर से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, अगर मैंने इधर से ऐसा लाइन बना दिया तो इसको बोलूँगा एक्स एक्सिस, बोलो याद आ रहा है? नहीं भी बोलोगे तभी भी चलेगा। यहाँ से एक लाइन बना दिया तो जेड एक्सिस, फॉर अ वाइल हम लोग ये बताना चाहते हैं ये 3D प्लेन में, ये क्या है 3D प्लेन में, बस इतना याद रखना। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, अगर चाहिए तो एक छोटा सा ऐसा बना दो ताकि जेड दिखे। बात ये नहीं है, बात कुछ और है, बात कुछ और है। ये दिखने के बाद देखो यहाँ पर को टर्मिनस एजेस के बारे में बात हुआ। को टर्मिनस एजेस मतलब एक ही पॉइंट से जब दुनिया भर के पॉइंट निकलते ना तो उसको को टर्मिनस। अगर देखो यहाँ से भी देख लो, अगर मैं इसकी बात करूँगा इसकी, ये देखो ये वाले पॉइंट की, तो इधर से एक लाइन निकल रहा है, इधर से एक लाइन निकल रहा है, इधर से, तो इसको भी को टर्मिनस एजेस बोल सकता हूँ। लेकिन रेफरेंस के लिए हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे, ये वाला जिसको बोलते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट ओरिजिन बोलते हैं। तो पहला लाइन देखो, पहला लाइन तुम लोग का ये निकल रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ऐसा डायग्राम थोड़ा डार्क बनाओ ताकि दिखे, अच्छा दिखे। इसको बोल देंगे ए, क्या बोल देंगे हम लोग ए, क्या बोल दिया हमने ए। अच्छा दूसरा वाला लाइन, दूसरा वाला लाइन ये दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, ये जो दिख रहा है इसको, इसको हम लोग बोल देंगे बी, क्या बोल दिया हमने बी। और एक तीसरा वाला लाइन, तीसरा वाला लाइन, इसको हम लोग बोल देंगे सी। सर आपने ऐसी क्यों लिखा, ए बी सी क्यों नहीं लिखा? बच्चा जो नोटेशन दे रहा हूँ इस नोटेशन से तुम लोग का डिराइव अच्छे से होगा, अदरवाइज बाकी सब में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखना ए बी सी, बीच वाला सी, रिजल्टेंट टाइप बोलते ना, ए और बी का रिजल्टेंट सी, वैसे वेक्टर में कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हो गया, अगर मैं बात करूँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन है तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, ओ। तो सबसे पहले तुम लोग को समझा ये पैरेलल पाइप क्या है, एक बॉक्स से उसको टेढ़ा कर दिया, और को टर्मिनस एजेस मतलब एक ही पॉइंट से 3 पॉइंट या ज्यादा पॉइंट निकल रहे। तो यहाँ पर तो ओ से बी जो जा रहा है हम लोग ने नाम दिया था, याद करो उसको बोलते बी बार, क्या बोलते बी बार, हम लोग ने लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे। ओ से सी, ओ मतलब ओरिजिन, इसको बोलेंगे सी बार, और ओ से ए जो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बार, बराबर। ये चीज हम लोग को इसी का वॉल्यूम निकालना है, इसी का वॉल्यूम निकालना है। अगर कोई भी इस बॉटल का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना ना, तो कुछ 2 चीज़ें हमेशा तुम्हारे टीचर लोग ने बोला था क्लास 8, 9, 10 में, कि अपने को 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक इसका एरिया ऑफ बेस और इसका हाइट,
बेस और हाइट, बेस और हाइट, कोई भी दुनिया का स्ट्रक्चर होगा ना, कोई भी फिगर होगा, तो हम लोग को दो चीज मैटर करता है। एक उसका बेस, बेस मतलब देखो अभी जैसे इसकी बात करूंगा तो इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, और हाइट, ये सिलेंडर बोलते हैं ना इसको हम लोग, बरोबर है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है। कोई भी फिगर बनेगा ना तुम्हारे लाइफ में तो उसका वॉल्यूम यही बनता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जैसे यहाँ पर ये देखो ये एक बॉक्स है, यही है ना ऐसा 3D प्लेन में अगर बात करूंगा तो ये क्या है, ये देखो इसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, और हाइट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना पानी भर सकता हो, मार्कर भर सकता हो, यही होता है। तो जैसे बात किया ये एक बॉक्स है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम के बारे में बात करना है तो सबसे पहले तो ये निबंध तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में, देखो बहुत ही प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो जाएगा। लेट क्या लिखोगे, लेट ओ ए बार, ओ ए बार, ओ से ए जो दिख रहा है ए बार, ओ से बी बार जो दिख रहा है उसको बोलेंगे बी बार, एंड ओ से सी बार, क्या बोलेंगे उसको सी बार, बी द वॉट, बी द को टर्मिनस, बी द वॉट को टर्मिनस एजेस, एजेस एजेस मतलब कॉर्नर ऑफ गिवन पैरेलल पाइप, ऑफ गिवन पैरेलल पाइप, बोलो पैरेलल पाइप का स्पेलिंग देखो, पैरेलल लिखने का ओ पाइप लिखने का, पैरेलल लिखने का ओ पाइप लिखने का, बोलो याद रहेगा, या फिर सबसे अच्छी बात बताओ क्वेश्चन से चिपका दे, दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, बोलो ये क्लियर हो गया। ये होने के बाद अब देखो मुझे दो चीज से खेलना है, दो चीज से खेलना है, तो तुम लोग मुझे बता दो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सर आपको बेस चाहिए, बेस देखो बेबी को बेस पसंद है वो वाला गाना सुना है, वो वाला चीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन बेस क्या है, बेस अगर तुम लोग इस बॉक्स को देखोगे तो जैसे ये देखो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर है, अगर बेस देखोगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा या तो स्क्वायर दिखेगा, बरोबर है बच्चा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते, नाम दे देते ओ बी, इसको डी नाम दे देते, क्या नाम दे देते, डी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप सेम, पैरेलल पाइप क्या होगा, पैरेलल पाइप इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ बेस, बेस और हाइट, तो क्या बोलोगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बेस। अच्छा बेस क्या दिख रहा है, बेस क्या दिख रहा है, अगर तुम लोग थोड़ा भी ध्यान से नोटिस करोगे तो यही है ना, देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, नीचे स्क्वायर जैसा, स्क्वायर बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, समझ पा रहे हो, यहाँ पर सब सेम ही हो जाएगा, स्क्वायर बोलो, पैरेललोग्राम बोलो, रोम्बस बोलो, सब सेम हो जाएगा अगर बेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, देखो पैरेलल लिखा, पैरेलल ओ ग्राम, नाम क्या है, नाम क्या है इसका, ओ बी, ओ बी डी सी, ओ बी डी सी, समझा, और इनटू व्हाट, हाइट। अब इनटू में गलती से भी ना कुछ बच्चे ऐसा लिखोगे इनटू, बच्चा ये तू वेक्टर सीख रहा है, यहाँ पर है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, तो तू कुछ मत लिख, सिर्फ लिखने का हाइट। सर हाइट क्या है, हाइट, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हाइट हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, एक हाइट बना लेते हैं, एक हाइट बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग, देखो क्या नाम दे देंगे, ए पी, क्या नाम दे दिया हम लोग ने, हाइट ए पी। तो दो चीज़ अपने को मिल जाएगा ना तो काम हो गया, हाइट ए पी। तो एक बार वापस बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का जो निकालना है, अपने को दो ही चीज़ चाहिए, एक एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम और हाइट ए पी, दो चीज़ मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपना वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का आंसर सॉर्टेड है। तो अब अपना गोल क्या है, एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि किस तरह इसको निकालते, तो बच्चा एक देख, यहाँ पर तेरे लाइफ में दो चीज़ दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा भी तुमको आइडिया दूँ, देख यहाँ से बी बार दिख रहा है और यहाँ से सी बार दिख रहा है, बोलो ये क्लियर रहेगा, दिख रहा है ये नीचे का चौकोंडी जो दिख रहा है प्लेट जैसा, इसको उठा के मैंने यहाँ पर, अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता है तो तुम लोग ने कहीं ना कहीं लाइफ में ये पढ़ा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जब उसके एडजेसेंट साइड दिए रहते, देख इधर से सी बार है तो इधर से भी सी बार रहेगा, इधर से बी बार है तो इधर से भी बी बार रहेगा। तो अपन बचपन में कैसा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलते थे, लेंथ इनटू ब्रेड, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन इस टाइम पे क्या बोला जाता है मालूम, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, तो दोनों का ना क्रॉस प्रोडक्ट करने का, क्या करने का, क्रॉस, बी बार, ये इनटू नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस, क्या बोलते हैं बच्चा एक बार वापस बोल, क्रॉस। तो क्रॉस करके इसका मॉडुलस लेने का, मॉडुलस, तो सॉर्टेड है सर, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, इसका आंसर तो मिल गया। देखो सर मुझे ये क्रॉस व्रॉस नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैं क्या कर दूंगा, लेंथ और ब्रेथ, और कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और चलो नंबर चाहिए इसलिए मैं मॉड डाल दिया। मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या सर, सोच, लेकिन गलत सोच रहा कहीं ना कहीं, चीजें समझ, ये नीचे वाला जो है ना इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, और व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, दोनों ये पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड है उनका क्रॉस कर और उनको मॉड में ले लें। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसा तेरे को लगता है वो सोच, क्योंकि एग्जाम में तेरे को लिखना ना कि किसी को समझाना, लेकिन किसी को समझाना है तो ऐसा समझा। तो सब ये तो मिल गया, देयरफॉर
एरिया ऑफ बेस बेस पैरेलोग्राम पैरेलोग्राम अपने को मिल गया ओ बी डी सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलोगे, बी बार क्रॉस सी बार, ये मॉड। चलो ये तो हो गया, काम हो गया सर, एक पार्ट तो मिल गया और एक पार्ट निकाल, इसको इसको पुट अप कर दे, आंसर आ गया। लेकिन हाइट एपी निकालने के लिए क्या फंडा है? देख भाई और बहनों चीजें समझो, एक अगर आ गया तो दूसरा बाय वन गेट वन फ्री वाला चीज है। अगर तुम्हारे लाइफ में कहीं पर भी कहीं पर, ये समझा तुम लोगों को, ये समझ गया। देख अगर दो जन का तू कभी भी क्रॉस करेगा, दो जन का कभी भी क्रॉस करेगा, क्रॉस मतलब सर जैसे तुमने अभी क्या कर दिया, बी बार और सी बार का क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। देख अगर मैं तुम लोग को बताऊं, यहां पर तुमने क्या कर दिया, दो जन का क्रॉस, एक वेक्टर है एक वेक्टर है, ए बार क्या नाम दे दिया, बी बार और सी बार। तो जब मैं बात करूंगा तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस करता हूं, क्रॉस तो एक नया वेक्टर पैदा होता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसका नाम क्या मालूम है? इसका नाम क्या है? बी बार क्रॉस सी बार। मतलब समझ पा रहे हो? देखो दो जन का क्रॉस करने से तीसरा पैदा हो जाता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादा मत सोचो, दो जन का क्रॉस करने से तीसरा पैदा, ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी यही होता है सर। ठीक है, जो तेरे को लगता है वो सोच, अच्छा है क्रॉस किया तो तीसरा पैदा। क्या दिमाग लगाया सर, समझ में? दो जन का क्रॉस किया तो तीसरा पैदा, तीसरा परपेंडिकुलर है। अरे बोलो हाँ या ना। तो तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर मैंने किसका क्रॉस किया, बी बार और सी बार का? क्या कहीं पर तुम लोग को परपेंडिकुलर दिख रहा है उससे निकलते हुए? हाँ मुझे दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है तुम लोग को, ये भी बोल सकते हो और एपी भी बोल सकते हो। देखो ना, देखो देखो ध्यान से देखो, दो जन का क्रॉस किया ना, दो जन का क्रॉस किया तो एक परपेंडिकुलर पैदा हो रहा है, वो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, मतलब मैं इसको भी नाम दे सकता हूँ, इसको ये जो दिख रहा है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बी बार क्रॉस सी बार है भाई तू, तेरे को नहीं मालूम है लेकिन तू इधर से ही पैदा हुआ, तेरे माँ बाप का नाम नहीं मालूम है लेकिन मुझे मालूम है, बी बार क्रॉस सी बार। बोलो हाँ या ना। तो वैसे ही मैं बोल सकता हूँ एपी का भी वही नाम रहेगा, बी बार क्रॉस सी बार। अरे बोलो एग्री कर रहे हो? अरे बोल दो हाँ या ना। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है एपी, मुझे फाइंड आउट क्या करना है एपी? तो तुम लोग सोचो, जब मैंने दो जन का क्रॉस किया, दो जन का क्रॉस किया तो मुझे तीसरा मिला, उसका नाम क्या रख दिया अपन ने, उसका नाम क्या है, बी बार क्रॉस सी बार। तो जब मैं क्रॉस करता हूँ तो एक मेरे को नया वेक्टर मिलता है जिसको बोलते बी बार क्रॉस सी बार। बोलो ये क्लियर रहेगा? अरे बोलो हाँ ना। जो परपेंडिकुलर है इससे भी अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर? हाँ सर, एक ये दिख रहा है और एक ए पी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इधर से एक नाम दे देते और बोलते भाई एम है, एम है। तो अगर तुम लोग को ये चीज़ समझता है, ये चीज़ समझता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हियर, प्लीज चीज़ें समझो, हियर वॉट, हियर वैक्टर्स ऑफ, वैक्टर समझते, वैक्टर्स ऑफ ओ एम बार इज इक्वल टू वॉट, क्या बोलोगे, ए पी बार इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखोगे, बी बार क्रॉस सी बार। क्या एग्री कर रहे हो तुम लोग? ओ एम बार बोलो या ए पी बार बोलो, उनका जो वेक्टर है वो कहीं और नहीं, यहाँ पर पैदा हो गया, बी बार क्रॉस सी बार। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक हाइट चाहिए, हाइट वेक्टर में नहीं होता। अगर मैं बोलूँ तेरा हाइट क्या है तो तू क्या बोलेगा, टू वाई प्लस थ्री जे माइनस फोर के बार। वेक्टर्स में क्यों, तेरा हाइट क्या हो बता, 5.2 6.2 7.2 7.3 ऐसा हाइट होता है, समझ पा रहे हो? तो मुझे चाहिए हाइट, मुझे क्या चाहिए, हाइट। लेकिन अब हाइट कैसे मिलेगा सर, ये क्या है, यही तो हाइट है ना। अगर कुछ बच्चे सोच रहे सर हाइट मिल गया मुझे, एपी मिल गया, बल्ले बल्ले नाचता हूँ तो बच्चा काट दूंगा तेरे को, ऐसा मत सोच, ये चीज़ें क्लियर कर लो तू, ये मत सोचना। यहाँ पर तेरे को हाइट चाहिए, हाइट एक नंबर होता है, हाइट एक क्या होता है, एक नंबर होता है। तो अब चीज़ें क्लियर कर लो, ये कहीं ना कहीं ये तो तेरे को मालूम पड़ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ लेकिन अब तेरे को मालूम पड़ना चाहिए, तेरे दिल और दिमाग में रख ले, क्योंकि ये थ्योरम से तो अपने मन से मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपने को तीन में से तीन मार्क्स चाहिए। तो अब देखो मैं किस तरह ए पी निकालूंगा तुम लोगों को, यहाँ पर देखो गाइस, ए पी ये दिख रहा है, ये क्या है, ए पी दिख रहा है ये वाला चीज, और यहाँ पर देखो, ये देखो ये क्या है, ए बार, ये क्या है, ए बार, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बी बार क्रॉस सी बार। चलो ये तो क्लियर हो गया ना। तो अगर मुझे हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। ये क्या पिक्चर में नया लेकर आ गया सर, मेरी बातों को सुन तो तू, पहले सुन मेरी बातों को। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, समझ गया, उसको दीवार पे रख दिया, उसको क्या कर दिया, दीवार पे रख दिया, वॉल पे रख दिया, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है। अगर मैंने यहाँ पर एक लाइट मारा, क्या कर दिया, एक लाइट मार दिया, एक लाइट मारा, क्या बोल दिया, एक लाइट मार दिया। तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलते मालूम है, स्केलर, पहले तो प्रोजेक्शन बोलता, प्रोजेक्शन ऑफ दिस लैडर ऑन वॉल। तो अपने को अगर वॉल पे इसका शैडो मिल जाएगा, शैडो समझता है, शैडो बच्चा ये चीज समझ पा रहे हो, शैडो, जैसे तुमने इधर से लाइट मारा तो तुम लोग को यहाँ पर क्या दिखेगा, उसका शैडो दिखेगा। तो इसी प्रोसेस को, ये फिजिक्स वाले टर्म को हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन नाम दे देते हैं। एक बार वापस बात कर रहा हूँ, ये सीढ़ी है,
अगर मुझे इसका हाइट चाहिए रहेगा तो कैसे करने का, बोलो कैसे करने का, बोलो बोलो बोलो, चलो चलो, हाँ ग्रेट सर, इसका नाम दे देते, इसका नाम दे देते पी बार और इसका नाम दे देते क्यू बार। तो अभी बोलो इसको क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखोगे, बोलो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, वन मोर टाइम, पी बार ऑन क्यू बार। तो इसको कैसे लिखते, देखो दोनों का डॉट, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन में ये जो दिखता है इसका मॉड, ये जो दिखता है इसका मॉड, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। वन मोर टाइम, स्केलर प्रोजेक्शन, इससे क्या मिलेगा, इससे तेरे को हाइट मिलेगा। तो अब जब ये तेरे को मालूम पड़ गया तो जरा देख, पी बार की जगह पे कौन है, ए बार है, और क्यू बार की जगह पे कौन है, ये, तो बताओ इसका क्या जाएगा। अगर मुझे एपी का हाइट चाहिए, एपी का हाइट चाहिए, तो देयर फॉर एपी इज इक्वल टू व्हाट, एपी इज इक्वल टू व्हाट, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ किसका, बोलो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, ए बार ऑन किस पर, ए बार ऑन क्या आएगा, बी बार क्रॉस सी बार। बोलो ये क्लियर हो पा रहा है, जिस तरह देखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार था, अब क्या बोलोगे, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, जैसे पी और क्यू था तो दोनों का डॉट, तो यहां पर क्या है, ए बार और ये है तो दोनों का डॉट, ए बार डॉट, दूसरा वाला क्या नाम है, बी बार क्रॉस सी बार अपॉन में, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, देखो नीचे क्या है, क्यू बार का मॉड, तो यहां पर क्या आएगा, ये जो दूसरा वाला ना क्यू बार, इसका मॉड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इस गेम में इतना ही है, दैट्स इट, गेम ओवर, गेम खत्म कर दो, इतना पढ़ के एक बार वापस बात कर लो क्या किया क्या नहीं। देखो तो यहां पर रीजन लिख दो, रीजन लिख दो, रीजन लिख दो। अब स्केलर वर्ड इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि इसका ये सब का जब तुम सॉल्व करोगे ना, डॉट क्रॉस नीचे मॉड, तो ये एक नंबर आता है, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं। तो हम लोग लिख देते सिंस, सिंस समझते ना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, ताकि मुझे तीन में से तीन चाहिए, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन में मॉड ऑफ क्यू बार। तो ये समझ गया, ये देखो ना, अरे देख रहा है ना तुम लोग को, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो बच्चा, ये जो दिख रहा है बी बार क्रॉस सी बार, ये और ए पी बार, ये दोनों का ही नाम क्या है, बी बार क्रॉस सी बार है। अब इक्वेशन वन बिकम सॉल्व करके खत्म कर दो, देखो आंसर आ गया, इक्वेशन वन बिकम, बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन बिकम, चलो बच्चा बताओ 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 बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, अब जितना स्पीड में लिख सकते हो उतने स्पीड से लिखो, पैरेलल पैरेलल ओ पाइप इज इक्वल टू व्हाट, स्पेलिंग गलत हो गया तो माफ कर देना, इसका क्या मिला अपने को, इस देखो यहां पर बी बार क्रॉस सी बार, फिर क्या इनटू इनटू इनटू, मतलब डॉट भी मत दो क्रॉस भी मत दो, हाइट एपी, एपी का क्या मिला, ए बार डॉट ऐसा बी बार क्रॉस सी बार अपॉन में मॉड में, और देखो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से ये और ये कैंसल, बचा क्या, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और इसी को तुम लोग क्या लिखते हो, ए बार बी बार सी बार। ये देखो अब कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, अरे बच्चा चीजें समझ, एक डॉट दूसरा क्रॉस, एक डॉट क्रॉस, तो इसको क्या लिखते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्स प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, बॉक्स प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बोलो, याद रहेगा तुम लोग को, हाँ है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते, अपनी अपनी मर्जी है, तुम लोग को सिर्फ बताया, तुम लोग का प्रूफ यही हो गया, देख कितने आसान से, चालू कहाँ से हुआ, अरे सर ये लिखा एरिया ऑफ बेस पैरेलल पाइप लिख दिया, हाइट लिखा, हाइट का फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया क्या है क्या नहीं, बराबर ये चीज। अब यहाँ पर इक्वेशन वन भी कम, अब अगर तेरे को पहला आ गया तो दूसरा बहुत ही आसानी से आएगा, चीजें क्लियर कर लो, ये क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल, ट्रिपल मतलब तीन वेक्टर है, और स्केलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका एक आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर वो एक नंबर आने वाला है, अगर हुआ तो आने वाले फ्यूचर वाले वीडियो में मैं इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी कवर कर दूंगा, ताकि तुम लोगों का ना इतना कॉन्फिडेंस आए, वेक्टर्स का बाकी सब ऑप्शन में डाल दूं, जो आशीष सर के वीडियो वो देख लेंगे, तो इधर से 6 से 7 मार्क्स तो अपना आ जाना चाहिए, वेटेज कितना है 12 मार्क्स है, अगर 6-7 मार्क्स इधर से आ जा रहा है तो और क्या गम है सर, बस इतना मैं खुश हूँ मैं यहाँ पर, तो कितने आराम से हो गया। अब अभी इसी टाइप पे मैं चेंजेस कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर दूँ, नहीं तो एक काम करो स्क्रीनशॉट मारो। तो गाइस 10th वाला सम, और बहुत ही आसानी से देखो, ये बहुत ही देखो, मैंने आधे से ज़्यादा रफ ही नहीं किया यहाँ पर। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद को टर्मिनस एजेस, देखो सेम है, यहाँ पर क्या आ गया 1/6, मतलब दोनों ही फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर क्या आ गया 1/6, चीज़ें क्लियर कर लो। अब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन देखो सेम ट्राइंगल जैसा होता है, कुछ नहीं, तुमने कभी ना कभी लाइफ में प्रिज्म देखा रहेगा,
देख बेस क्या होता है, देख एक चीज याद रखना, अगर स्क्रीन पे दिखता रहेगा तो देख लो यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन किस तरह बनाते हैं हम लोग। नीचे उसके ट्राइंगल रहेगा और ट्राइंगल के ऊपर तीन ऐसा झोपड़ी जैसा आ जाएगा, बरोबर है यहाँ पर। तो देखो अभी मैं इसको डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। सेम, पहले तो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बना लिया, बोलो याद रहेगा सबको, यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हर एक जगह से ये ऊपर जाएगा, ये एक ऊपर जाएगा, यहाँ से आ गया और ये एक इधर से आ गया, अपने मन से कैसा भी बना लो। और सेम इधर से इधर एक लाइन बना दोगे आप, बरोबर है, और इधर से इधर एक लाइन बनाओगे, सेम पार्ट करो, सेम पार्ट करना जिस तरह करते आ रहे थे अभी तक। क्या है बोलो, ये ओ नाम दे दोगे आप, इसको क्या नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे, ए नाम दे सकते हो, क्या नाम दोगे, ए, क्या नाम दोगे इसको, ए, और इधर से इधर वाले इसको क्या बोलोगे, बी, और इधर से इधर वाले को क्या बोलोगे, सी। बोलो ये क्लियर हो गया। अब डार्क कर दो, इतने पार्ट को डार्क कर दो, जितना आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए। देखो मेरे को ओ बी चाहिए, यहाँ से ओ सी चाहिए, और मुझे यहाँ से इतना पार्ट चाहिए, बाकी सबको देखो मैंने फेड ही रखा है, ये समझ गया ना, ये डॉटेड प्रोजेक्शन जो भी बोल सकते हो आप, ये क्लियर हो गया। अच्छा ओ से बी वाले को क्या बोलेंगे, बी बार, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, सी बार, इधर वाले को क्या बोलेंगे, ए बार। अरे सर जी हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है ये थोड़ा टेढ़ा, लेकिन तुम लोग इसको डायग्राम है ना और अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा इसको है ना थोड़ा स्लांट बना दो, स्लांट बना दो, ये सी थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ऐसा लगेगा। नीचे बेस है, अभी ये 3D डायग्राम अपना डायग्राम बेकार है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम लोग हंसी मजाक करोगे, अरे सर कितना बकवास डायग्राम है, थोड़ा मैनेज कर लो, समझ पा रहे हो। तुम लोग को मेरी फीलिंग समझ चुकी है, नीचे एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, अच्छा तो लेट ओ ए बार बी, ये यहाँ पर क्या आएगा, टेट्राहेड्रॉन। चलो ये भी हो गया, पहला लाइन तो क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की जगह पे आप क्या लिखोगे, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। अब यहाँ पर है ना देखो, मैंने बोला था गेम पूरा किस पे डिपेंड है, बेस पर और हाइट पर। हाइट देखो, बेस क्या है यहाँ पर, तुम लोगों को क्या लगता है, बेस तो सर चिल्ला चिल्ला के कब से यही बोल रहे, बेस क्या है ट्राइंगल, बेस क्या है ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ बी सी, ओ बी सी। चलो ये भी क्लियर हो गया। हाइट, हाइट बना लेते ना, हाइट ए पी, हाइट कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, हाइट, हाइट ऐसा बना लेते हैं अपने मन से। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाने का, हाइट ए पी। तो ये क्लियर हो गया। तो सर एक काम करो ना, जरा ये लाइन को भी थोड़ा ऊपर ले लो, क्योंकि आप कुछ तो बताते हो यहाँ पर, इतना पार्ट ये समझ पा रहे हो, इधर क्या बोलोगे आप, एम। अरे ये समझा या नहीं समझा, इतना पार्ट एम, फिर आप बोलोगे देख भाई अभी 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 समझ गए हम लोग, आधे पैटर्न तो समझ ही गए। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, चलो बोलो ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अपन ने बचपन से ही पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे नीचे इसके पहले क्या था, रेक्टेंगल जैसा था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मॉड में बोला था। अब इधर क्या होता, ट्रायंगल का क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी मैं वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस में वापस दो ही वेक्टर दिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे, बेस इंटू हाइट। अरे ये समझो क्या बोला है ये, अभी तुम लोग बोलेंगे सर हाइट ये बोल रहे हो, हाइट ए पी। अरे यार ट्राइंगल वाला बात कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर तुम लोग को सिंपल दो जन को क्रॉस करना है, दो जन को क्रॉस, एक बी बार है एक सी बार है, और यहाँ पर बाजू में क्या आ गया, हाफ आ गया। अब चीज़ें क्लियर हो गए। ए पी ये तो सेम ही रखूंगा, ए पी क्या है यहाँ पर, ये क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, बरोबर है ये चीज़, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लो, एक चीज़ क्लियर कर लो, यहाँ पर फॉर्मूले में ना थोड़ा चेंजेस है, प्लीज़ चीज़ें क्लियर कर लो। ऐसा लग रहा है ये दोनों तो सेम ही है, प्रीवियस वाले में यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पर एक टर्म मल्टीप्लाई है जिसको बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं हम लोग, 1/3। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये डिराइव नहीं करना है अपने को, टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूले में ही है। वॉल्यूम ऑफ अगर बेस निकालना तो 1/3, जिस तरह कभी तुम लोगों ने कोन का फॉर्मूला देखा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एज, तो सिलेंडर का होता है, और 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसी जो भी था ना उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई। ये किया अपन ने 1/3, ये एक नंबर है बच्चा, ये एक नंबर है, फॉर्मूले में इनबिल्ट है, ये अपन ने डिराइव नहीं किया। कुछ बच्चे बोले ये 1/3 कहाँ से आया, याद कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूले में ये, अगर तेरे को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना तो उसका बेसिक फॉर्मूला 1/3 इंटू वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो आ गया, ये सिर्फ एक नंबर याद किया अपन ने, बरोबर ये चीज। अब तो इक्वेशन वन बिकम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू वॉट, 1/3 एरिया ऑफ बेस्ट एंगल क्या है निकाला ना, हाफ, क्या लिखोगे, हाफ, ए डॉट नहीं, डॉट नहीं, डॉट नहीं लिखना गलती से भी, डॉट का मतलब यहाँ पर कुछ और हो जाता है, बरोबर है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पर हाइट, हाइट के लिए क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन में मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार,
दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर? चलो ग्रेट, कुछ कैंसल हो गया। हाँ सर देखो, ये और ये कैंसल, वन इंटू वन, वन और थ्री टू सिक्स, वन बाय सिक्स, और इसका क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो और इसी को तो आपने सिखाया हम लोग को, ये वन बाय सिक्स तो एज इट इज, इसको क्या लिखने का बॉक्स में, ए बार बी बार सी बार, ये याद रखना तुम लोग का, ये सॉल्व हो गया। हेंस प्रूफ लिख सकते हो, हेंस प्रूफ लिख सकते हो। सर चीज़ें क्लियर हो गई, जो टास्क था वो एपी का था, ये भी हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं आपको एक रिकॉलिंग टाइप बता दूँ तो सर मजा आ जाएगा। क्या पर पैरेलो पाइप बॉक्स था, टेढ़ा कर दिया, अपन ने नोटेशन देख लिया, ए बार सी बार बी बार, ये टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज इसलिए लिखा। आपको अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलो पाइप चाहिए तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो एपी हो गया। आपको दिखा रहेगा सर बेस वहां पर रेक्टेंगल जैसा था, आप पैरेलोग्राम बोलोगे बोल दो। हम लोग को दो वेक्टर दिखता है, बी बार क्रॉस सी बार, तो हमने क्या कर दिया उसी को रख दिया। और एपी के लिए क्या कर दिया, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। बी बार क्रॉस सी बार कहां से आया, जब दो जन का क्रॉस होता है तो एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है। यहां पर देखो बी बार क्रॉस सी बार ने जैसे क्रॉस किया तो तीसरा वेक्टर पैदा हुआ, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, तो हमने बोल दिया ये देखो ये तो चलते जाएगा, हमने उसको नाम दे दिया OM और यहां पर AP, OM और AP सेम ही है। बोलो ये क्लियर हो गया? तो हमने बोला देखो A बार के ऊपर लाइट मारेगा तो किस पर आ रहा है, B बार क्रॉस C बार पर, तो हम लोग को इसका हाइट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को आ गया, इक्वेशन वन में डाला तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मिला, और टेट्राहेड्रॉन के लिए ये फॉर्मूले में सिर्फ 1/3 एक एक्स्ट्रा पार्ट आया, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। और यहाँ पर बेस में ट्रायंगल आ गया, बेस में ट्रायंगल आने के दौरान हम लोगों ने क्या बोला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब बी बार क्रॉस सी बार का मॉड ले लिया और इक्वेशन वन में डाल दिया तो अपना 1/6 आ गया। गाइस एक रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी बच्चा यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहा है, 10th थ्योरम तो कंप्लीट हो गया, तीन एक बेसिक्स है जो बहुत पहले आते थे पहले के ज़माने में, वो भी कवर कर देंगे, लेकिन इसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल से कभी छोड़ना नहीं, पांचवा एक्सरसाइज या चौथा एक्सरसाइज रहेगा टेक्स्ट बुक में, प्लीज़ इसके बेस पर कोई भी सम छोड़ना नहीं, क्योंकि गारंटेड एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कर देना, अगर खराब लगा रहेगा तो दिल से डिसलाइक भी कर देना, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए बच्चे को समझाना। बच्चे लोग को, मेरे को लगता है बच्चे लोग सब समझ गए, अब उन लोग ये 10 थ्योरम भी प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा अपना। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच लॉगिंग आउट।